लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताए जाने का मामला विपक्ष ने जमकर भुनाया था, लेकिन अब अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम में ये लेख लिखने वाले आतिश तासीर को भारत की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। भारत ने उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर दिया है। तो क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम ने अपने कवर पेज पर डिवाइडर इन चीफ कहकर संबोधित किया था। उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे, ऐसे में ये मुद्दा गरमाना तय था। विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर शब्द बाण छोड़े, मगर पीएम मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताना अब आतिश अली तासीर को महंगा पड़ गया है। दरअसल भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताने वाले लेखक आतिश तासीर का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड रद्द कर दिया है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आतिश तासीर ने अपना PIO एप्लीकेशन जमा करते वक्त ये बात छुपाई थी कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के हैं। दरअसल OCI कार्ड के नियम 7A के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे देश जो भारत सरकार के आधिकारिक गजट में अनुसूचित है का नागरिक है, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के पंजीकरण योग्य नहीं है। इसी वजह से आतिश का OCI कार्ड रद्द किया गया है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि आतिश ने ये नहीं बताया था कि उनके पिता सलमान नासिर पाकिस्तानी नागरिक हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तासीर को उनके PIO OCI कार्ड के संबंध में अपना जवाब दर्ज करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सितंबर में तासीर को नोटिस भेजा गया था, इसमें उन्हें जवाब देने के लिए 21 दिन का वक्त दिया गया था। तासीर को नोटिस 20वें दिन मिला और उसके बाद 24 घंटे के भीतर तासीर की तरफ से जवाब भेजा गया। गृह मंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए तासीर ने न्यूयॉर्क इंडियन काउंसिलेट के जवाब का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। तासीर ने कहा कि ये सही नहीं है, मेरे जवाब पर यहाँ काउंसिल जनरल का संज्ञान है। मुझे पूरे 21 दिन नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले। इससे पहले तक मुझे मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सवाल ये है कि आतिश तक नोटिस पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा और उनके पिता के पाकिस्तानी नागरिक होने की जानकारी अब तक सरकार को कैसे नहीं थी। मई में लेख छपने और उसके बाद नोटिस दिए जाने के बीच कोई कनेक्शन है क्या? सही कौन है, आतिश या सरकार? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की उत्सुकता रहेगी। DB लाइव की रिपोर्ट।